एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने लास्ट वीक सेलिब्रेशन का डाला था व्लॉग, आई गेस डाला था, तो आज है सैटरडे अगेन। बाय द वे, मेरे ख्याल में वॉशिंगटन में कोई साइक्लोन आया है, उस वजह से यहाँ पे सर्दी के इफेक्ट्स आ गए हैं, तो हमारे पास भी हल्की मुल्की सर्दी आ ही गई है और बहुत ही हसीन सर्दी है। रात को हम लोग गए हुए थे फ्रेंड्स के साथ, इस दफ़ा भी सेलिब्रेशन ही गए हुए थे। ऑल्दो मैंने व्लॉग नहीं, फैमिली साथ थी तो व्लॉग कैसे बनाती, तो बट इट वाज सो अमेजिंग, इतना मज़ा आया हमको। मैंने कोट पहना, मुझे विंटर कोट्स पहनना इतने पसंद है, मुझे विंटर की क्लोथिंग मैं इतनी ज़्यादा मिस करती हूँ, तो इसलिए आज मैंने हुडी भी पहनी है एंड आई एम सो हैप्पी। वेदर इज सो नाइस। पता नहीं उस तरफ लेक के कोई चीज़ बैठी है, मुझे ऐसे एलिगेटर लग रही है, बेबी एलिगेटर, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। फील ऐसी आ रही है कि एलिगेटर, बेबी एलिगेटर बैठा हुआ है, बट नहीं, मेरा ख्याल में गटर का सुराख है, कांट से नहीं, मेरे ख्याल में शायद पानी नीचे हुआ हुआ है। हाँ, नहीं, बेबी एलिगेटर ही है, वो बैठा हुआ है। ये रहा मुंह, देखा है, सर्दी लग रही है उसको भी। ये रहा बाहर साथी, मजदूरों का साथी है अल्ताफ हुसैन। ये हाल आ गया। चलो भाई, ये अल्ताफ हुसैन के गाने। हम कहाँ जा रहे हैं बिलाल? हम जा रहे हैं विंटर पार्क। विंटर पार्क ऑरलैंडो। हाँ, एंड वहां चल के एक्सप्लोर करते हैं। खाने का भी हमने डिसाइड किया नहीं, वहां थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। रेस्टोरेंट है, उसका नाम है तबला। एक्चुअली हम ज़्यादा देसी रेस्टोरेंट पाकिस्तानी, जब तक हमें 100% श्योरिटी ना हो ना वो बहुत अच्छे हों, तो हम अपने पैसे नहीं लगाते। सो वी डोंट नो, वी हैवंट डिसाइडेड इट। मास का क्या प्लान है? वो नहीं जा रहा। उसकी हमेशा बास्केटबॉल गेम जो होती है ना सैटरडे को फ्रेंड्स के साथ, वो हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हम भी अब क्या करेंगे? पता है शादी के 10 सालों के बाद आप मियाँ बीवी वैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उसके बाद आपको आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक हमें मेकअप करना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है कि थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है। हमारे मियाँ उल्टा करते हैं, इतर लगा के आ गए, सुबह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे करीब आती हूँ इतर की खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ रही है। इतर क्यों लगाया है? पूरी दुनिया को क्यों बताना है कि हम इतर लगा के घूम रहे हैं? यूसुफ क्या है जो दुबई का वो है, यूसुफ भाई, उसकी तरफ से एक वहां से कोई बंदा परफ्यूम लेकर आया था, अब वो इतर निकला, तो अब मैं क्या करूँ उसका यार, उसने गिफ्ट दिया है, मैं लगाऊंगा तो सही ना यार? लगाएगा तो वो सही, चाहे बीवी को ना पसंद हो इतर। सीधी सी बात है, बीवी को नहीं, मेरी नासों में जा रहा है इतर। हमारी नासों में तो नहीं जा रहा ना, हमें तो अच्छा लग रहा है ना, आपको नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हैं, जान तो नहीं दे सकते ना। चले भाई, हम जा रहे हैं विंटर पार्क, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। दिन दिन में पहुंच गए तो बहुत ही खूबसूरत, रात को भी लाइट्स, क्रिसमस होगी, लेट्स सी क्या होता है, तो डे स्पेंड करें हमारे साथ, प्यारी बाजी के साथ। आप आजकल बना रही नहीं, तो उसकी वजह से लोग थोड़े, मैं इसलिए नहीं बनाती कि अच्छा, मुझे इस एक बात का इतना गुस्सा, मुझे इतना है एक बात का गुस्सा इस पे, ये मेरे, मैंने इसको मना किया है, ये व्लॉगिंग देखता है, क्योंकि इसके पास तो बहुत टाइम है, मैं लोगों के व्लॉग्स नहीं देखती, मैं बनाती हूँ, ये व्लॉग्स देखता है। और एक दिन मैंने इसको मना किया, टीवी लाउंज की टीवी पे नहीं लगाना, वो ब्लॉग्स भी उनके देखता है जिनके दोनों मियाँ बीवी मेहनत करके बना रहे होते हैं, और मियाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, बीवियाँ तो कभी कैमरा को पकड़ती भी नहीं है, मोबाइल उनके हाथ में मैंने कभी देखा ही नहीं है, वो सिर्फ बोलती हैं, बात करती हैं, और वो उनसे सजेशन लेते हैं तो बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक अकेली बंदी हूँ जो कि मोबाइल पकड़ती है, और कहीं पर इनको बाहर कह दूँ कि थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दो, मुझे सारे ऐसे शक्लें बनाते हैं कि इन पर मैंने बहुत ज़बरदस्ती जुल्म किया हुआ है। क्यों देखते हो? इसलिए कि वो कराची के हैं, कराची की बात नहीं, अगर देखते हो तो तुम्हें ये फील नहीं होता कि तुम लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है? मतलब मेरी सक्सेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे, मुझे इसलिए कोई, मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है, आई एम द ओनली वन हु इज टॉकिंग एंड स्पीकिंग, मैं अकेली, मतलब वो जो स्पेशली फैमिली व्लॉगिंग होती है उसमें बच्चे मियाँ बीवी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बच्चे, एक तो आता ही नहीं है, वो कहता है मैंने संडे सैटरडे को मेरे बास्केटबॉल गेम्स और बच्चों के वो चल रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ,
सो मैं तो इसको मैं ले आती हूँ, लेकिन सीधी बात है वो पर्दा करता है कहीं नजर ना लग जाए, और जो बेटी हमारी है वो उसको कोई शौक नहीं है। तो बाकी बिलाल है वो तो मुझे डिसोन कर देता है कहीं अगर कैमरा बाहर देख। तो फिर जब आपको सोशल और मीडिया और ब्लॉगिंग पसंद है, हाउ डेयर यू कैन स्विच वॉच व्लॉगिंग फैमिली व्लॉगिंग ऑन माय टीवी, मतलब अपनी बेटी को अपनी बीवी को अनसक्सेसफुल करके फेलियर बना के। मुझे इतना शौक था, मेरा सबसे फेवरेट मीडियम जो है दैट इज यूट्यूब। आई एंजॉय मेकिंग व्लॉग्स बिकॉज इट्स मोर लाइक एक्सप्रेसिंग एंड अच्छा बेहतर लगता है आप लोगों को भी ज्यादा जज करने का। इंस्टाग्राम पे रील्स ज्यादा चलती है, दैट इज ऑल आर्टिफिशियल। रील्स पे फोकस करो, व्लॉगिंग इज नॉट योर थिंग। सी बिकॉज ही डजंट वांट टू हेल्प मम्मी। यार इसमें इतना लंबा करना पड़ता है, उसमें छोटी सी तुम बनाती हो, तुम्हें उसमें फायदा हो जाता है। यार लेकिन एक मेमोरीज भी तो होती है ना। आई पर्सनली डू व्लॉगिंग फॉर माई सेल्फ, जो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो बाकी वैसे देखती तो अब मैं ही अकेली हूँ तो बुढ़े होने तक जरूरत ही नहीं होती। हाँ एक किसी बंदे ने मुझसे पूछा था कि आपका प्राडा का जो है सन ग्लासेस, अगर एक तो मैं हमेशा पूछते मैं बताती नहीं हूँ किस ब्रांड का है, लिखा हुआ है लेकिन उसमें मिटे हुए अल्फाज हैं। तो एक बंदी ने मुझसे पूछा क्या प्राडा के ओरिजिनल पे भी ये मिट जाते हैं। मैंने बोला कब है कि ये प्राडा का है और ओरिजिनल है, और ना मैंने बताया है कभी किसी को। भाई मुझे आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन। ये मेरे बेटे ने वो कुछ चीज़ मंगा रहा था कहीं से चाइना से, उसने गिफ्ट दिया मुझे। मेरे लिए बेटे का गिफ्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो क्या भी लिखा हो मैं तो पहनूंगी, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली पहनूंगी और खुशी से पहनूंगी और हजार बार पहनूंगी। फॉर मी इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सन। दूसरे वाला जो है उसने कुछ मंगवाया तो उसने स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट मंगाए, पहला जिंदगी में मुझको हमाज ने, तो मैं कैसे नहीं पहनूंगी, मैं तो खुशी से पहनूंगी। तो अब बाकी के कहां से मंगाया, क्यों मंगाया, रंग रंग क्या इसका ढंग भी उतर जाए तो पहनूंगी। तो बाकी ब्रांड जो है इसको लिखना पड़ गया ना सिल्वर के पानी से, तो ये लिख के उस पे क्यों। हाँ भाई मेरे बेटे ने लेके दिया है, एक तो माशाल्लाह खुद मंगवाया है दिल से, मुझसे कोई नहीं पूछा कि कैसी शेप आप पे सूट करेगी, किस तरीके का आप पहनती है। दोबारा मंगवा देगा जिस पे पूरा लिखा हुआ। उसने कहा है कि मम्मा इसका रंग उतर गया अब नया मंगा के दूंगा, अब ना मैंने लोग कहेंगे नकली है। पूछो ना कि यार हमें भी बता दे कहाँ से मंगवाया, वो लिंक नहीं देता मुझे, आज तक इसने मुझे भी नहीं दिया वो लिंक। उसकी अपनी कोई जगह है जहाँ से वो मंगवाता है और अपनी प्यारी माँ को गिफ्ट करता है। आप हमें क्या खिलाएंगे? Dave's hot chicken. Again. Again. I माने का again. क्योंकि हम सारी फैमिली तंग है और बिलाल जब भी आ रहा है ना इसको इसके इतना पसंद है कि वो कह रहा है बस मैंने यही खाना है। और मेरी बेटी की शक्ल, चलो भाई पहले खाना खा लो, सर्दी हो गई है हमें बड़ी खुशी है, तो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद। ये बड़ा प्यारा मॉल है ये, इसमें यहाँ पे इतनी अच्छी ब्रांडेड सारी शॉप्स हैं, निमोर चिल्ड्रन हॉस्पिटल अर्जेंट केयर भी है, मानी सब कुछ है। चलें जी हम आ गए हैं, खाना हमारा आ रहा है। मुझे इनके स्लाइडर्स बहुत पसंद है, इनके एक्चुअली मेन जो चिकन टेंडर है ना इट्स सो डिलिशियस, इतना मज़ा आता है। एक तो हल्की हल्की बहुत सालों के बाद, एक्चुअली ये सर्दी हमेशा के लिए फ्लोरिडा में नहीं रहेगी, ये जस्ट 1-3 days है, मंडे को ठीक हो जाएगी, कल तक है। ये वाशिंगटन में साइक्लोन की आया हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट हुआ हुआ है। जी भैया you wanna say something? If you're new here, तो वो उस लिहाज से ना इनके टेंडर्स का टेस्ट बहुत अच्छा है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हम सर्दियों में लाहौर में होते हैं, खून सर्दी पर वो सख्त वाली सर्दी, कनाडा वाली सर्दी नहीं, ये वो वाली सर्दी जिस सर्दी में आपको बाहर बैठने का दिल करता है, मतलब कॉफ़ी हो, फ्रॉथी कॉफ़ी हो और आप इंजॉय करें, वो वाली सर्दी है। और इस सेंटर में ना बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, यहाँ से तो सिर्फ मुझे एशले वगैरह नज़र आ रहा है लेकिन पीछे से जो मैं देख के आई हूँ ना रेस्टोरेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिक ना हाइब्रिड है, बहुत ही मज़े की है। चलें भाई खाना आते हम, सिर्फ बिलाल के चक्कर में आते हैं, बिलाल को ये बहुत पसंद है। ये मेरी डील, दो स्लाइडर्स उनकी बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़े के। आयमा आपने खाती है, मेरे बच्चे जो हैं वो उसका पैक करा लिए हैं, उसके एक्स्ट्रा भी पैक कराया है, इनका भी पैक कराया है, बस हम शुरू कर रहे हैं खाना। यू लाइक इट, इज़ इट गुड?
आज मैंने वो स्पाइस सीजनिंग इस पे भी नहीं डलवाई, मैंने कहा बिकॉज़ आई एम अ डजंट लाइक इट। चलो शाम का एक टाइम आता है जिस टाइम पे सूरज थोड़ा ढल चुका होता है और फेस पे इतना ग्लो आ रहा होता है, ये भूख खाने का भी ग्लो है, पेट भर चुके हैं ना, अभी विंटर पार्क चलते हैं। आपने एड्रेस डाल दिया है, मेरे मियाँ का ये प्रॉब्लम है कि पहले निकल जाते हैं, एड्रेस का पता होता नहीं है। हमें टाइम लग गई, शाम हो गई, लाइटिंग अब दिखाऊंगी कि क्रिसमस की अगर लाइट्स लग गई हैं नज़र तो आ रहा है। तो इसके लिए पार्किंग तो वैसे आपको साइड पे भी, विंटर पार्क है ये, लेकिन हमने जो पार्किंग अभी की है ना वो स्टेशन के सामने पार्किंग, ये सामने स्टेशन है। If you want to wanna walk कर रहे हैं तो रख दो, put it back. Okay, she wants it. तो आपको बड़ी easily parking मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता Christmas के time पे क्या होगा, लेकिन हमें तो मिल गई। तो हम cross करते हैं, walk shop करेंगे, थोड़ा coffee, ice cream लेंगे and then we will go home. क्योंकि बंदे का ये जो vibe है ना मुझे पसंद है बहुत यहाँ की। ज़रा स्टेशन भी देख लेते हैं, ये सामने जो है ना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ से गुजरता है, उसी के उस तरफ जो है ना मार्केट है, सब उनकी है। आ जाओ, लोग आ रहे हैं, देखे लाइट्स क्रिसमस की कितनी अच्छी लग रही है। मानी विंटर पार्क स्टेशन, या एक मिनट जरा इस स्टेशन देखो, आई वांट टू सी, ये जरा चेक करें, ये स्टेशन है, हाउ प्रिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड लुक एट दिस, ये है इस जगह का, यहाँ पे ट्रेन आती है, लोग वेट कर रहे हैं, विंटर पार्क, हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज। बंदा ट्रेन आए, ट्रेन ले, वहाँ पे सारी यू गाइस कैन सी के वो सारा क्रिसमस का लगा हुआ है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं, वॉक करेंगे, लाइट्स लग चुकी हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। मानी मेरी वीडियो बना दो बेटा, इधर या वी विल डोंट गो देयर, हाँ या वी विल गो, बस फिर चलें। हम अभी स्टेशन पे हैं, यू कैन सी कितनी बजे की स्टेशन है विंटर पार्क की, यहाँ से ट्रेन जाती है, आप टिकट लें और जाएँ। तो बस अभी हम उस तरफ जा रहे हैं जो सारी कितनी खूबसूरत लगी हुई है। मानी दिस इज़ द प्लेस टू विजिट, ये वाकई खूबसूरत जगह है, लोग भी आए हैं, फैमिलीज भी सारी, काफ़ी रश लगा हुआ है, लाइट क्रिसमस, हाँ आ जाओ। ना भाई मैं पेनीज नहीं ड्रॉप करती, दुआ करो कितने अमीर हो जाएंगे पेनियाँ ड्रॉप होती। I saw a drop of penny over there. नहीं वो मम्मा डिडंट, वो किसी और की है। अच्छा किया मानी वैसे हम नाइट टाइम पे आए, क्योंकि सारी मामी, क्योंकि सारी जो स्ट्रीट लाइट्स और वो सारी क्रिसमस लाइट्स लगी वो इस टाइम की हैं। अच्छा आप ये देखेंगे दुनिया इधर एंजॉय करिए, मेरा मियाँ जो है कार डीलर के साथ वहाँ पे स्टेशन के उस तरफ खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ के टिकट लेके जा रहा है। ये क्रिसमस ट्री, और ये देखिए इन्होंने डेकोरेट भी किया हुआ है। They even had chairs. Yeah. This is so. They're minimizing. Pictures ले रहे हैं लोग क्रिसमस की। आ जाए। Yeah? Sit on that tree. Yeah. नहीं नहीं उसके ऊपर के गए, ये चेक करें, हंसी ये बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, आए उस उसके वो उस पर डर, म्यूजिक चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, आजा मेरा बच्चा, Thank you.
सो नाइस. देखो कम उनको लेके आते हैं. इतना हसीन या खूबसूरत टनल है, लेके मैं आप लोगों को चलती हूँ. दुनिया अंदर पिक्चर फोटोग्राफी में लगी हुई है. देखें बहुत ही हसीन. आगे भी काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. मैं अपने फैमिली का इंतज़ार कर रही हूँ. कितना हसीन है, चेक करें. मैं इसके सामने ही बहुत सारी, हम पहले भी यहाँ आए हुए हैं जलाल भैलों के साथ, तो सारी मार्केट है, छोटी छोटी खूबसूरत शॉप्स हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको. ये जगह जो थी ना पहले, मेरे ख्याल में ऑरलैंडो का जो था ना डाउन टाउन थी, फिर इन्होंने डाउन टाउन बड़ा करके बनाया. अब ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है. और इसको जो है ना शॉप्स आपको नज़र आ रही होगी. आए मैं हाथ पकड़ के चले बेटा. हाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, चले जा रही हैं, आगे तक लाइट्स हैं. ये क्लॉक कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है. ये सेंट्रल पार्क का फिर बिलाल मुझे कहता है कि तुम मुझसे लड़ती क्यों. देखे सारे फैमिलीज कपल्स एंजॉय करें. मेरा मियाँ ये जैसे जैसे यहाँ पे, हाँ तुम्हें वॉलमार्ट लेके चलते हैं. मैं यहाँ पर आया, अगला फ़ोन उसने टेस्ला वालों को कर दिया. जैसे मतलब या तो लेनी हो ना, लेने भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहस और लड़ाइयाँ. और ये लाइट्स इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं इधर रोज़ आ सकती हूँ. मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं. मनी कैसा है? बहुत इंजॉय कर रहे हो ना? अब हमारे बिलाल साहब आ चुके हैं पीछे. बिलाल यहाँ पे भी गाने गा रहे हैं. नेक्स्ट मुझे लगता है तुम्हारी ही टर्न है. मुझे ये समझ नहीं आती इस टाइम लाइट, वो पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आती है. क्यों? वो तो मुझे पता. ये देखें कितनी खूबसूरत शॉप्स. और ये अच्छा मानी मेरी यहाँ पे, यही यहाँ पे मार्केट के सामने, शॉप के सामने एक पिक्चर लो यहाँ से. बहुत ही हसीन व्यू है इधर से. आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैमरा वो खूबसूरती कैप्चर ही नहीं कर पा रहा जो कि ओरिजिनल इसमें है. लेकिन हम चक्कर लगाते हैं, फिर बच्चों को जो भी लेना है लेते हैं. स्टारबक्स भी है वैसे. छोटी है. कमेंट्री आपको जो है वो अलमास करके बताएगी क्योंकि मैं कमेंट्री में इतना अच्छा नहीं हूँ. कैसी लगी है? अच्छी लग रही है अभी तक. अच्छा इसका जो पिस्ताशू वाला, ये तिरामिसू है एंड दिस वन इज, हम दोनों शेयर करते हैं क्योंकि हमने खाना काफी खाया होता है ना. अर्किड स्टोर शेफ जो है सर्दी में कैसे छुप के आइसक्रीम खा रही हैं. आइसक्रीम भी खानी है, सर्दी भी लग रही है, की करे बंदा, कितने जाए, मजबूरी है इंसान दी बड़ी ना. अच्छा बिलाल को पता नहीं क्यों सर्दी लग रही है. ये सबसे फेवरेट बेस्ट फ्लेवर था महान ने पहले टेस्ट किया. ये देखें ये ट्री कितना प्यारा लग रहा है. मानी यहाँ पे बड़ी ब्राइट तस्वीरें आएंगी. अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पे हम आए हुए हैं बाबा यो जलाल भाई और आरजू के साथ ना वीके में. डोंट लुक एट द स्ट्रीट, पूरी स्ट्रीट इतनी मज़े की है, हमने आइसक्रीम खा ली है. तो बस अब यहाँ से थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे. मानी यहाँ इसकी लो,
ये इतनी मजे की कपड़ों की बच्चों की शॉप है कि हाउ प्रिटी दिस शॉप इज। बंद है बट इट इज वर्थ विजिटिंग शॉप। बिलाल कह रहा है मेरा इतर भी बीच में मिक्स हो गया कुछ मैं लगा गया हूँ। बिलीव करो बिलाल, मैंने वैसे तो बहुत जगहों पे मतलब खुशबुएं अच्छी पता इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे वाकई में आपको फील हो रहा है कि लोगों ने परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगे। बिलाल क्या कह रहे हैं तुम्हारा इतर भी? ओके। वैसे बिलाल आज हैंडसम लग रहे हो, कहीं आइसक्रीम में इन्होंने कुछ डाल तो नहीं दिया था मेरा दिमाग घूम के? जा रहे थे हमने यहाँ पे देखा ये पेंट हुआ है, ये देखे कैन यू सी, मैंने कहा बिलाल ये कुत्ता पेंट हुआ है, कहता नहीं इंसान पेंट हुआ है, मैंने कहा इंसान का है, इंसान ये है ना, फिर उसने इंसान दिखाया सी। वाकई यू फाइंड द कुत्ता, इसको किसी ने कहा था, मैंने कहा था कैन यू डांस ऑन द कुत्ता, व्हाट डू यू कॉल फीमेल ऑफ कुत्ता। चलो ये पेंट हुए हुए हैं और ये हुए हुए हैं मेरे ख्याल में चौक से ही मिट जाएंगे। ये बीबी है, सी ना दिस इज द लेडी, इट्स नाइस। कुछ कुछ जगहों पे मिटे हुए हैं, यहाँ पे बारिश हो गई है। नाउ लुक एट दिस वन, नाउ सी डू वेयर इज मिकी माउस, चले भाई हो गई है हमारा वापसी का टाइम। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एंड लवली डे, मज़ा आया सर्दियों का फ्लोरिडा में। इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल व्हेन आई सी। जा रहे हैं फिर हम स्टेशन पे आ गए,